हजारीबाग में अवैध बालू लदा 17 ट्रैक्टरों को किया गया जब्त, बालू माफियाओं में हड़कंप। जी हां, घटना हजारीबाग की है जहां खनन पदाधिकारी ने 17 ऐसे ट्रैक्टरों को जब्त किया है जिस पर बालू लोड था। आज प्रदेश के अलग अलग भागों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय का घेराव किया, आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बालू कोयला पत्थर आदि की लूट हो रही है और यह सरकार उसमें संलिप्त है। जिस तरह से माफियाओं का मनोबल बढ़ रहा है, आने वाले समय में झारखंड में ना तो जंगल, ना तो जमीन, ना तो जल बचेगा। कहीं ना कहीं यह सही प्रतीत होता नजर आ रहा है, क्योंकि यह एक घटना है जिसमें खनन पदाधिकारी पहुंचे एवं इतने ट्रैक्टरों को जब्त किया। अब समझने वाली बात यह है कि उनके आँख से बचकर कितने ऐसे ट्रैक्टर प्रतिदिन पार होते होंगे और राजस्व की कितनी हानि होती है सरकार को, यह सोचने वाली बात है। आइए आपको सुनाते हैं पदाधिकारी क्या कुछ बोले। 12 ट्रैक्टर को जो है जब्त किया गया है जिनके पास कोई चालान नहीं था। आपको सूचित मैं करना चाहता हूं कि हजारीबाग जिला में बड़का गांव प्रखंड के नावाटांड बालू घाट को जो है विधिवत रूप से चालू कर दिया गया है, जहाँ से कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल जो है 1000 घनफीट तक बालू बुक करा करके और अपने ट्रैक्टर के माध्यम से बालू बेच सकता है, जिसका सरकारी दर 750 रुपया प्लस 5% GST है। ये दर भुगतान कर करके वैध चलान के माध्यम से कोई भी ट्रैक्टर मालिक या भी कोई भी संवेदक बालू का विक्रय क्रय कर सकते हैं। हम लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को सूचित किए थे कि भाई अवैध जो है बालू का उठाव ना करें, लेकिन जो है इसका कोई असर जो है ट्रैक्टर चालकों के ऊपर नहीं पड़ा, जिसके कारण बाध्य होकर के आज जिला प्रशासन को कार्रवाई करना पड़ा है। अभी जो है ये कंटिन्यू चलेगा, किसी भी हालत में जो है यहाँ पे अवैध बालू का जो है परिवहन हजारीबाग जिले में नहीं करने दिया जाएगा। अभी इनका जो है आगे की कार्रवाई जो है देखा जाएगा कि इसमें फाइन या तो फाइन इम्पोज किया जा सकता है या फिर इनके ऊपर FIR भी किया जा सकता है।